बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर में कल से भोले बाबा के भक्त गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अब भक्त सिर्फ बाहर से ही जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर डीसी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। से बाबा दर्शन शुरू हो गया है, हमारे साथ देवघर डीसी हैं, सीधे बात करते हैं सर। क्योंकि व्यवस्था नहीं है, कुछ हौचपच भी लग रहा है, सब लोग संतुष्ट हो जाए? संतुष्टि तो कभी किसी को नहीं मिली है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो सरकार का निर्देश है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत या निर्देश के तहत किया जा रहा है, तो जो उनके द्वारा निर्देशित है उसी की यह व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने गर्भगृह में भी कुछ लोगों को जाने की अनुमति दी थी, लेकिन वो अब नहीं करना है। सरकार का निर्देश है या कोर्ट का निर्देश है दर्शन का, तो कल से सरकारी पूजा के बाद वहाँ पर काठ का कोई सी स्ट्रक्चर वहाँ पर लगा दिया जाएगा ताकि लोग अंदर नहीं जा सके। जो बाहर से 200 लोगों को, जिनको बाहर से मतलब झारखंड के ही, झारखंड देवघर के हों या कहीं के भी हों, यानी पंडा समाज से हटके जो लोग हैं, जो दर्शन करने की बात जिनकी है, जिनको ऑनलाइन पास इशू किया जाएगा, और जो लोग अपने खुद ही इशू अपने करते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ दर्शन की इजाजत होगी, वो बाहर से ही दर्शन करके निकल जाए। पंडा समाज संकल्प की एक व्यवस्था बड़ी पुरानी चली आ रही है सदियों से, जब से, और शिवगंगा पे भी लोग संकल्प करते हैं, डुबकी लगाते हैं, खुद खुद को शुद्ध करते हैं, फिर पुरोहित से कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज इस व्यवस्था से, वो समाज कटाव महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से कहीं भी कोई चेंज अगर चाहिएगा आप करना, तो समाज या जो व्यक्ति उस चेंज से प्रभावित होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि कोविड है, कोरोना से सब लड़ रहे हैं, तो कोविड का अपना एक गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता है कि आप कहीं पर कोई चीज़ को छुएं और दूसरा लोग भी उसको छुएं। आज जो भी व्यवस्था है, कल लेकिन वो व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि जो दर्शन शब्द जो ऑब्जर्वेशन में कहा गया है उसका सख्ती से पालन होगा, उसमें जलार्पण शब्द नहीं है। द वर्ड इज यूज एज द दर्शन, नॉट द जलार्पण। तो कल जो व्यवस्था होगी उसमें सिर्फ दर्शन ही हो पाएगा, यानी कि गर्भगृह के बाहर से ही श्रद्धालु दर्शन कर लें, बाबा से आशीर्वाद लेके निकल, चुके कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उससे सख्ती से पालन करना है। कैमरा पर्सन के साथ मनीष राज, निर्भर भारत के लिए देवघर।